जीरो इज टू वन, दोनों आधा आधा कर रहे हो, वन इज टू वन करो सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका सेम ही है, खाली ये अलग था, ये समझ में आया? इज योर ओआर इक्वल टू एसआर और योर नो, इधर क्या दिया है, ही इज टेकिंग एंटायर शेयर फ्रॉम एक्स, ओनली एक्स, फाइन बट विल डू इट, फॉलो द सेम प्रोसेस, इसलिए एरर होने का नहीं पहचान। Then go for actual SR, share into SR, X and Y. X का क्या आएगा, 1/7 का 1 is to 0 is what? 1 upon 1. 1 plus 0 is 1, right? And 1/7 into 0 upon is 0. And then NR is OR minus SR, actual S. So X का आएगा 4/7 minus 1/7, 3/7. Y का आएगा 3/7 minus 0, 3/7. और Z का आएगा 1/7 as it is. I think you are getting it as 3 is to 1. Is that right? 3 is to 1. क्या अलग हुआ? सैक्रिफाइस रेशियो वॉज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड रेशियो, एंटायर सैक्रिफाइस वॉज डन बाय वन सिंगल पार्ट, एक ही पार्टनर ने पूरा सैक्रिफाइस किया। और भी तरीके इसको सॉल्व करने के, वो पाई चार्ट बताया था, इसमें भी एक और तरीका है, वेरिएशन है, डायरेक्टली 4/7 माइनस 1/7 कर दो, क्योंकि वो बी वाला वाई वाला तो कुछ सैक्रिफाइस कर नहीं है, तो 3/7 3/7 1/7 डायरेक्टली आ सकते। बट यू स्टिक टू सेम फॉर्मेट फॉर ऑल द सॉल्यूशन, कभी कुछ सिली मिस्टेक ना हो इसके लिए सेम फॉर्मेट दिया। चलो आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई, ये वाला हो गया समझा, ये वाला सैक्रिफाइस रेशियो खाली आइडेंटिफाई करना था। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई सम नंबर 9, सम नंबर 9 जरा ध्यान से देखो, 9th वाला पढ़ो, 9 ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इज द रेशियो ऑफ 9:7 मिला। They decided to admit C, giving him 1/8 of the share in the profit, which is acquired from B only. So who is sacrificing over here? 0:1. So what's your sacrifice ratio? 0:1. One song. Sawa nauka liche. Come on. 0:1 mila sabko. Kashish ko samjha 0:1. Come on. Solve. 0:1 लेके करो पूरा। अगेन इज योर ओआर इक्वल टू एसआर? नो, इट्स डिफरेंट। जीरो इज टू वन, कम ऑन। एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म लिखना है। हाँ नाइन इज टू फाइव इज टू टू चेक
आ रहा है क्या? नेचर 16 है ये ना जो ये पर 16 है ना मिला 9:5:2 आर यू वेडिंग दैट सर गेट आउट यस सर स्पीकर सीधा देखो ना शेयर दिया 1/8 × 2/2 नेशनल है 16 करना है डिनोमिनेट 1/8 × 2/2 मिला 9/5 मिला क्या Done? Now, try sum number 10. Sum number 10 देखो क्या दिया. See sum number 10. Ram and Bharat are partners. 9/5 मिला सबको. 9/5 any doubt? Come on, check. Ram and Bharat are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3. Please be quiet. Ram and Bharat are partners sharing profits and losses as 7:3. They decided to admit love, giving him 1/5 share in the profits, which he acquired from Ram only. 1:0. 0-1 मत कर देना गलत हो जाएगा सर. What is the sacrifice ratio? What is the sacrifice ratio? 1:0 भी 0:1. 1:0. 1:0. Come on, try. 1:0 is your sacrifice ratio. Okay. Come on, sum number 10. Sacrifice ratio is 1:0. Old ratio is 1:0 का मतलब who is sacrificing everything? Ram. भारत एक ठेला नहीं दे रहा अपने शेयर में से. उसका शेयर जितना पहले था अभी भी उतना ही रहने वाला. राजा साहब सब बेचारा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है राम करो प्यार के लिए क्या है लव वो एक्चुअली LUV है LOV मैन लिखते लिखते बैग है क्या सर लव में बैग LUV चलो करो पसंद कितना सब सुनना कभी रहता है यूट्यूब पे चैनल पे नेट के देखो करो करो What is your answer, guys? 5:3:2 Check. तुम्हारा handwriting इतना छोटा है ना मैं वो magnifying glass बड़ा लिखो तो 5:3:2 Check, guys. 5:3:2 आ रहा है. Any doubts? Tell me. Five, three, two. Come on. Itla. Itla ki nahi. Sir, 5:3:2 आना चाहिए. भरत को दे ही नहीं रहा. 5:3:2 Now
नेक्स्ट वन सम नंबर 14 सी सम नंबर 14 ध्यान से देखो सम नंबर 14 डे एंड नाइट आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2 व्हाट इज 1:2 कोआर्ट्स बराबर दे डिसाइडेड टू एडमिट नून इन द बिजनेस Giving him 1/6 of the share. So Noon का शेयर कितना है 1/6 Noon नहीं है Noon है Now Noon's share is 1/6 Listen, what is important is now they decided to admit Noon in the business, giving him 1/6 of the share in the business. Noon receives 1/8 from day and the balance from night. समझाइए अगर 1/8 डे से आ रहा है तो नाइट से कितना 7/8 देखो अगर मैं आपको बोलू हाफ डे से मिल रहा है उसको तो हाफ नाइट से मिलेगा तो 1/2 1/3 अगर डे से मिल रहा है 2/3 नाइट से मिलेगा 1/5 अगर डे से मिल रहा है 4/5 नाइट 1/7 अगर डे से मिल रहा है 6/7 1/8 अगर डे से मिल रहा है इज इट क्लियर सो इफ ही इज रिसीविंग 1/8 फ्रॉम हिज ऑफ हिज शेयर फ्रॉम डे तो नाइट से कितना है 7 सो 1:7 इज व्हाट सैक्रिफाइस ये समझा हाफ अगर डे से आ रहा है तो हाफ नाइट से तो 1:1 हो जाएगा 1/3 है तो 2/3 1/4 है तो 3/4 ये अगर 1/7 दे रहा है तो ये कितना दे 7/8 दोनों मिला के एक होना चाहिए ना उसको और तो OR is 1:2 बट SR is 1:7 बरो सॉरी बाकी तो सब सेम है अरे वो फर्स्ट पार्ट क्लिक होना था रेस्ट ऑल इज सेम होगी गुड हो गया ये भी हो गया कितना आ रहा है हाँ हाँ नाइन में ऐसा कुछ तो ये आ रहा है भाई 15:25:8 आ रहा है 15:25:8 Get that? Yes. Now this was whatever we have done till now that was variety 1 type 1 था ये अभी हम लोग variety number 2 पे जा रहे हैं जो कि काफी simple है variety 1 में क्या होता है type 1 में ये होता है आपको OR दिया होता है और आपको SR दिया होता है OR दिया है और SR दिया है तो आप actual SR करके NR ढूंढ सकते हो simple है और एसआर नहीं भी दिया तो भी आपको मालूम है एसआर क्या अज्यूम करने का एसआर इज इक्वल टू बराबर दिस वाज ऑल वैरायटी 1 टिल नाउ व्हाटएवर सम्स वी हैव डन वाज वैरायटी 1 ऑल ऑफ यू हैव डन यहां तक
नाउ वी आर मूविंग टू वैरायटी टू दैट इज टाइप टू. टाइप टू में क्या होगा? एसआर ढूंढ. टाइप टू में है ना, हाँ, आपको एसआर ढूंढने को बोलेगा. दैट इज आई टेक अ सम, सम नंबर थ्री देखो सब लोग. सम नंबर थ्री देखो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको 3:2. कैन यू सी दैट? सम नंबर थ्री, पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज का रेशियो 3:2 मिला. उसके बाद क्या दिया है? दे एडमिटेड जेड, सॉरी मिस्टर आर जॉइन द पार्टनरशिप एंड द न्यू रेशियो अमंग पी क्यू एंड आर इज 3:3:4. सो द न्यू रेशियो बिटवीन पी क्यू एंड आर इज 3:3:4. वॉट रेशियो इज दिस न्यू रेशियो? तो आपको ओ आर दिया है और एनआर दिया, और आपको क्या ढूंढने का है? एसआर ढूंढने का है. ये टाइप टू हो गया. गॉट अ डिफरेंस बिटवीन टाइप वन एंड टाइप टू? टाइप वन में ओ आर दिया होगा, एसआर दिया होगा, एनआर पूछेगा. टाइप टू में ओ आर दिया और एनआर दिया, और आपको क्या ढूंढना है? एसआर ढूंढना है. अब समझो इसको. कैन वी अज्यूम ओ आर इक्वल टू एसआर? वाई वी कांट? बिकॉज समटाइम्स इट माइट बी सेम, समटाइम्स इट माइट बी नॉट. हमने देखे हैं दोनों एग्जाम्पल्स. हर बार जरूरी थोड़ी है कि ओ आर और एसआर सेम होना चाहिए, अलग भी तो हो सकता. तो आप कैसे तुक्का मार दोगे कि ओ आर इक्वल टू एसआर हो सकता है? तो आप तुक्का नहीं मार सकते. तो यहां पे आपको यूज करना है सन फॉर्मूला. सन फॉर्मूला कुछ है नहीं. सन फॉर्मूला क्या है? एसआर इज इक्वल टू ओ आर माइनस, अभी अभी आपने ये देखा है कहां गया, ये रहा. एनआर इज वॉट? ओ आर माइनस एसआर. उसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके आओ. तो वॉट इज एसआर? ओ आर माइनस ओल्ड में से न्यू को हटाओ तो एसआर मिल जाए. वही है, इसको खाली साइड चेंज किया. खाली याद रखने के लिए बोला गया है सन फॉर्म. व्हाट इज सन फॉर्मूला? एसआर इज ओ आर माइनस एसआर इज ओ आर माइनस ओल्ड माइनस न्यू. इट इज ओल्ड माइनस न्यू. इज इट क्लियर? ओल्ड बड़ा होता है, न्यू छोटा हो जाता है. एसआर सैक्रीफाइस होता है ना, कट जाए. ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रीफाइस. डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, यू गेट द आंसर. ये वाला टाइप पढ़ाई चिंदी है. ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, आपको क्या ढूंढना है? सैक्रीफाइस. स्ट्रेट अप्लाई द फॉर्मूला. ओ आर माइनस एनआर. देखो ओ आर माइनस एनआर करो, एक्स का और वाई का दो का ही आएगा ना सैक्रीफाइस. सॉरी, एक्स का कितना है? ओ आर 3/5 माइनस एनआर कितना है? 3/10. This is 6 - 3, 3/10. और y का 2/5 माइनस 3/10 विच इज 10. 4 - 3 1. ये एक्चुअल एसआर मिल गया, लेकिन आपको खाली न्यूमरेटर देखना है. व्हाट इज द न्यूमरेटर? 3:1. सो एसआर इज 3:1. यू विल ऑटोमेटिकली गेट एक्चुअल एसआर ओनली फ्रॉम हियर. एक्चुअल ऐसा नहीं मिल रहा, बट यू जस्ट टेक द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर रिमेन्स सेम इन नॉर्मल एसआर और एक्चुअल. व्हाट इज द न्यूमरेटर? 3:2. दैट्स योर सैक्रिफाइस. 3:2. ये अभी 3:2. देखो ये 3:2 था, ये 3:1 है. इज ओ आर इक्वल टू ऐसा? तो डू नॉट अज्यूम ओ आर इक्वल टू ऐसा. अलग भी हो सकता. अभी आप ये एसआर से एक्चुअल एसआर ढूंढो, फिर एनआर ढूंढो, यू विल गेट द सेम आंसर. 3:2. ये नॉर्मल है, ये एक्चुअल. कैसे पता चला? द डिनोमिनेटर टोटल इज मोर देन द न्यूमरेटर, देन इट इज एक्चुअल. ये 10 आ रहा है, ये 3+1 = 4 नहीं आ रहा. राइट 3/4 एंड 1/4, इट इज नॉर्मल. 3/10 एंड 1/10 इज एक्चुअल. एक्चुअली मिलेगा आपको, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है. जस्ट सी द न्यूमरेटर, यू गेट योर सैक्रिफाइस. टाइप टू वैरायटी समझे आपको क्या होता है? टाइप टू में क्या होगा? एसआर ढूंढना. टाइप वन में एसआर दिया रहेगा, टाइप टू में एसआर ढूंढेगा. मिलाइए ट्राई 13th one. ये तो करना है ना, अभी नहीं किया. इसमें चार है. दिस वॉज सम नंबर थ्री के बाद 13th करो खुद से ट्राई.
3 के बाद सॉल्व 30 कल राजीव सर है ना तुम्हारे संडे को टेस्ट भी है ना तो नेक्स्ट वीक पूरा रोहन सर का नहीं है नहीं वेडनेसडे टेस्ट मंडे और फ्राइडे लेक्चर नहीं है ना अकाउंट पूरा यही टाइमिंग रहेगा अभी आपका 6 दिन कल से सैटरडे से लेके नेक्स्ट वीक टिल 13 जून सेम टाइम 12 जून को टेस्ट है प्रिपरेशन चालू कर देना बराबर से MWF 750 सर 9 आ गए तो नहीं याद रखने दो और वो 11 बजे छोड़ नहीं 10:15 मिला क्या ओए आंसर 13 का क्या आया मिला 3-2 सबको मिला कि नहीं बताइए ट्राई फोर्थ वन 3-2 आया ट्राई फोर्थ वन फोर्थ वन मेरे को क्या दिया है बताओ मेरे को टाइप वन है टाइप टू है क्या दिया है देखो फोर्थ सम में एल एन एम वेयर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3-1 व्हाट इज 3-1 ओ आर मिला दे डिसाइडेड टू एडमिट N is admitted and they decided to share profits as 5-3. What is 5-3? NR. क्या पूछा है आपको SR? SR का formula क्या है? OR minus NR. Sun formula. L N. दो ही partner का SR रहेगा. 3/4 minus 5/10. LCM is I think 20. LCM ने